आजकल यंग गर्ल्स और लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही रफ्तार से बढ़ रहा है। अभी हमने रिसेंटली हिना खान का भी केस सुना। 5 में से 1 को ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। क्या ये चौंकाने वाली रेशियो नहीं है? हर एक दूसरे घर में कहीं ना कहीं हमें ब्रेस्ट कैंसर की खबर सुनाई देती है। कुदरत ने हमें औरत बनाया है, ये हो कि हम इक्वल टू मैन हैं या हो जाएं, ये बहुत ही गलत है। मैन के इक्वल क्यों होना है? वुमेन पावर अलग है, मैन पावर अलग है। आदमी बच्चे पैदा नहीं कर सकते, घर को संभाल नहीं सकते, मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, क्या वो ये कंपटीशन करते हैं? खुद को परफेक्ट बनाने की होड़, इम्पोर्टेंट बनाने की होड़, पावरफुल बनाने की होड़, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये होड़ हम बताती है कि कहीं ना कहीं हम कमज़ोर हैं और आगे निकलने की कोशिश में हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में जा रहे हैं। हाय, आई एम डॉक्टर नीलम, आई एम नेचुरोपैथ। ये सुनकर आपको अजीब लगेगा, पर सच है कि परफेक्ट बनने की और इक्वल बनने की होड़ में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जो हो वैसे ही बेस्ट हो। अपने आप को प्रूव मत करो, अपने आप को कंपेयर मत करो। इम्परफेक्शन में ही आप परफेक्ट हो। फैमिली संभालना, किड्स को संभालना, किचन संभालना, ऑफिस संभालना, बिजनेस संभालना, अपने मंथली हॉर्मोन्स, मेनोपॉज, बच्चे होना, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, इन लॉज, क्या ये सब कुछ संभालना एक आदमी के बस में है? नहीं। तो कहीं ना कहीं एक वुमेन एम्पावरमेंट जो है, एक औरत की ताकत है, वो कंपेरेबल है ही नहीं। और कहीं ना कहीं हम ये होड़ कर रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर का ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम अल्कोहल और स्मोकिंग आदमियों की तरह करते हैं और उसे बहुत ही कूल समझते हैं। हमारे हॉर्मोन्स जो हैं, हमारी बॉडी जो है वो बहुत सेंसिटिव होती है, खासकर ब्रेस्ट ग्लैंड्स जो हैं, वहाँ के टिश्यूज जो हैं, मेम्ब्रेन्स जो हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट और सेंसिटिव होते हैं। जब हम अल्कोहल लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं और अपने आप को कंपेयर करते हैं लड़कों से और उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं कूल बनने के चक्कर में, तो कहीं ना कहीं हम अपने बॉडी को, हमारे बॉडी के हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। और ये फ्लक्चुएशन कहीं ना कहीं हमें कैंसर का एक बहुत बड़ा रीज़न है। सो गर्ल्स एंड लेडीज़, प्लीज़ स्टॉप स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। लाइफस्टाइल को सही करो। एक्सरसाइज मस्ट है हर किसी के लिए, एक आदमी के लिए भी, एक औरत के लिए भी, बट औरत के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे मंथली हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। जितना आप ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उतने कम आपको मूड स्विंग्स होंगे, उतना कम आपको पीरियड्स में पेन होगा, उतना कम आपको प्रेगनेंसी और डिलीवरी में प्रॉब्लम होगी। तो अपने एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में ऐड करें। फूड हैबिट्स को बहुत ड्रास्टिकली चेंज करें। सीजनल फूड या फ्रूट्स ही लें, क्योंकि पैक्ड प्रोसेस्ड फूड लेना, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा खाना, पॉल्ट्री, केमिकल का खाना खाना, ये हमारे हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। और जब हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। लेट मेनोपॉज आना, अर्ली मेनोपॉज आना भी एक रीज़न है। लेट मैरिज करना या अर्ली मैरिज करना, बहुत ज़्यादा रेडिएशंस, जैसे फ़ोन के आसपास हम बहुत ज़्यादा रहते हैं, लैपटॉप के आसपास बहुत ज़्यादा रहते हैं, या अपने बॉडी पर रख कर हम लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन को पूरे यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन को पॉकेट्स में रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। किड्स को नहीं पैदा करना या किड्स को दूध नहीं पिलाना, लेट बच्चे पैदा करना, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। वेट गेन होना या अचानक बहुत ज़्यादा वेट बढ़ने लगता है, बहुत जल्दी हम अर्ली सेक्स करने लगते हैं, हम बच्चे रोकने के लिए अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बहुत रेगुलर खा रहे हैं, सन बाथ बिल्कुल नहीं ले रहे, ऑफिस में बैठे रहने के कारण हम एसी में लगातार रहते हैं और सन बाथ से बिल्कुल भी टच में नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी रहती है, कहीं ना कहीं जेनेटिक्स भी है,
और ये सारे जो रीजंस हैं ये आजकल बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे ये रीजन बढ़ रहे हैं लेडीज में, गर्ल्स में ब्रेस्ट कैंसर को देखा जा रहा है। तो प्लीज सान बात लें, अपने स्ट्रेस पे कंट्रोल करें, मेडिटेशन करें, सनलाइट में ज़रूर रहें। अपने जो मैरिज की एज है, जो मैरिज करना चाहते हैं और मैरिज की जो एज है, प्लीज़ उस पे ध्यान दें। बहुत लेट आफ्टर 30-35 ये कहीं ना कहीं एक रिस्क बन रहा है। इस अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, रेगुलर चेक रखें। कोई ग्लैंड अगर बन गया है ब्रेस्ट में, अगर उसमें दर्द हो रही है या बहुत ज़्यादा खुजलन हो रही है या निपल से कहीं ना कहीं कोई डिस्चार्ज हो रहा है, ब्रेस्ट का साइज़ कम या ज़्यादा ज़्यादा में या एक स्वेलिंग दिखाई दे रही है, तो तुरंत अपना चेकअप करवाएं। अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर क्यूरेबल है, बाद में अगर बढ़ जाता है थर्ड या फोर्थ स्टेज में, तो बहुत ज्यादा पेन, बहुत ज्यादा तकलीफ से ट्रीटमेंट या तो हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर होता है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। इसलिए अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपने माइंडसेट को चेंज करें। बहुत इजी गोइंग लाइफ में अगर आप रहते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तकलीफ जरूर रहेगी। आसानी से तो कुछ भी हासिल नहीं होता। तो प्लीज़ गर्ल्स, स्पेशली यंग गर्ल्स, अपनी लाइफस्टाइल पे बहुत ध्यान दें, अपने फूड हैबिट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में मस्ट करो, सन बात को अपनी लाइफ में मस्ट करो, और प्लीज़ इस बीमारी को जल्दी से जल्दी इस दुनिया से निकालने में हेल्प करो। ये सब आपके ऊपर है, क्योंकि अगर आप जितना अपने पर वर्क करोगे उतनी ये बीमारी को आप दूर करोगे। जेनेटिक्स में अगर आपके मदर या ग्रैंड मदर को 60s या 70s में हुआ है, तो आपकी मदर को कहीं ना कहीं 30s या 40 में होगा, और अगर डॉटर को वो कहीं ना कहीं 20-25 में भी होगा। तो जेनेटिकली इस तरह से वर्क करता है कैंसर, तो इसलिए आपको उस पर वर्क करना है। अपना ध्यान रखें, खुद पर बहुत विश्वास रखें कि आप इससे ठीक हो सकते हैं, और आप इसको अपने पास आने ही ना दें अगर आप ये सब कुछ कर लेंगे तो। खुद से प्यार करें, अपने आप को प्रायोरिटी दें, तभी आप स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं। इसके अगेंस्ट में फाइट करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बी हेल्दी एंड टेक केयर। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।